लुधियाणा विच कोरोना वायरस के केस लगातार वध रहे ने, जिस नूं लैके हुण प्रवासियों दे विच डर पैदा हो गया। दुगरी विच लॉकडाउन लगन तो बाद लुधियाणा की लेबर लगातार इत्थों आपो अपने घरां नूं यूपी ते बिहार वल नूं जा रही है। लुधियाणा तो निजी ट्रांसपोर्टर रोजाना हज़ारां प्रवासियों नूं यूपी बिहार पहुँचा रहे हैं। लेबर डरी हुई है और पिछले साल की किसी तरह की कोई आने जाने वाली सर्विस ना मिलने करके उन्होंने मन में डर है। लुधियाणा बस स्टैंड के नेड़े का जायजा लिया गया तो उत्थे दर्जना प्राइवेट बस प्रवासियों नाल भरिया हुई सन, लेबर वड्डी तादाद में यूपी बिहार वालू जा रही थी। बस के प्रबंधकों ने कहा कि बीते साल जो प्रवासियों नाल सलूक होया वो उस तो डरे हुए हैं, जिस करके आपो अपने सूबे में वापस परत रहे हैं। उन्हें कहा कि यह गिणती हाल ही के दो तीन दिनों में वधन लगी है। प्रवासी लेबर का भी कहना है कि वह कोरोना तो डर गए हैं, तो उन्होंने लग रहा कि जेकर पंजाब में लॉकडाउन लग्या तो वह इत्थे ही रह जाएंगे, फिर ना उन्होंने काम मिल सकेगा तो ना ही इत्थे रह के अपना गुजारा कर सकेंगे, जिस करके वो घरां नूं जान विच ही अपनी बेहतरी समझ रहे हैं। पिछला समय ये दिहाड़ी लगा रहे थे, जिसके पास थे उसी के पास आ रहे, ऊपर वाले दिया तो इसी सारे समझी रहे थे। खा रहे तो भी डर लग रहा है आपको जी? भाई क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? सोहन कुमार नाम है, बिहार जा रहा हूँ। क्या कारण है, क्यों जा रहे हो? कोरोना के करके जा रहा हूँ सर। मजदूर का मजदूरी बंद हो रहा है, कंपनियों का टैक्स बंद नहीं हो रहा है। कहावत में है कि सेटर बंद है, टैक्स चालू है, किराया चालू है, हर एक चीज़ चालू है, मजदूर का मजदूरी लेकिन बंद है, इसी करके जा रहा हूँ। डर लग रहा है, लॉकडाउन का डर लग रहा है? हाँ सर, लॉकडाउन का डर है, क्योंकि रूम बंद रहेगा तो पर भी किराया लगेगा, और रहेंगे ना रहेंगे तो पर भी किराया लगेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, इसी करके जा रहेगा। तो फैक्ट्री आपको रुकने देगी ना? जाओ फैक्ट्री रुकेगी तो नहीं, रुकने के लिए बोल रहे हैं, और रुकते भी तो कंपनी अपनी मर्जी से रुपया देता है, बोलता है टाइम मिलेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं, अपना कमाइया हुआ भी रुपया नहीं देता है लोग। जा रही है की कहना चाहूँगी भाजी? ये कोरोना के डरते करके कल दी जा रही है बहुत। ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਭਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ? ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ 70 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਠਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜੀ ਬਸ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਰੈਬਰੇਲੀ ਨਕਲਬੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ। ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ MRI ਤੇ CT ਸਕੈਨ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵੋ, ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए साडे चैनल नूं सब्सक्राइब करो ते साडी लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन दे लई बैल आइकन दबाना ना भूलियो।